सो हेलो एंड वेलकम टू लाइम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चीज एंड कर्ड की, जो टॉप 10 इंपोर्टिंग कंट्रीज है वैल्यूएशन के हिसाब से और ग्रोथ रेट के हिसाब से। इस दोनों चीज़ों को हम देखेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वो बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। साथ ही साथ हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा उन लोगों के साथ जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स या तो चीज़ या कर्ड्स की इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हैं ताकि आप उनकी भी हेल्प कर पाए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो इस लिस्ट में जो कंट्री नंबर 10 है वो है हांगकांग। हांगकांग में यहाँ पे जो है वो वैल्यूएशन दी गई है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की USD 1000s में 2021 की वैल्यूएशन है और यहाँ पे इसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारी प्रोडक्ट्स की जो है वो वैल्यूएशन और ग्रोथ रेट के सारे फिगर्स मिल जाएंगे ताकि आपको कंट्रीज शॉर्टलिस्ट करनी हो तो आपको ईजी रहे। आगे बढ़ते हैं। कंट्री नंबर 9 है वो है कतार। कतार में हमारे कर्ड एंड चीज़ की डिमांड अच्छी है। कंट्री नंबर 8 है कुवैत। कुवैत में भी अच्छी वैल्यूएशन कह सकते हैं और ये एक ऐसी कंट्री है जो कि आने वाले टाइम में यहाँ पे हो सकता है ज़्यादा डिमांड आपको देखने को मिले। कंट्री नंबर 7 है ओमान। ओमान में भी अच्छी वैल्यूएशन कह सकते हैं और नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में भी एक सही वैल्यूएशन में एक्सपोर्ट होता है चीज़ एंड कर्ड। कंट्री नंबर 5 नेपाल, हमारी नेबरिंग कंट्री है और यहाँ पे भी एक वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ही सही वैल्यूएशन कह सकते हैं कंपैरेटिवली जब नेपाल की साइज एंड पॉपुलेशन की बात आती है। नेक्स्ट है सिंगापुर। सिंगापुर में भी एक बहुत सही वैल्यूएशन में कह सकते हैं चीज़ एंड कर्ड एक्सपोर्ट होता है। नेक्स्ट है यूएसए। यूएसए की जो साइज़ है पॉपुलेशन है उसके मुताबिक अगर हम देखें और यहाँ पे चीज़ एंड कर्ड का जो है वो प्रोडक्शन भी अच्छे पैमाने में होता है फिर भी हमारी कंट्री से यहाँ पे इतनी बड़ी क्वांटिटी में जब एक्सपोर्ट होता है तो डेफिनेटली ये एक सही चीज़ कह सकते हैं। भूटान नेक्स्ट है। भूटान कंट्री नंबर 2 बहुत ही सही कंट्री कह सकते हैं। इस लिस्ट की जो टॉप कंट्री है वो है यूएई। यूएई में भी बहुत ही बड़े पैमाने में आप देख सकते हैं वैल्यूएशन बहुत ही बड़े पैमाने में चीज़ एंड कर्ड जो है वो एक्सपोर्ट होता है। नेक्स्ट है ग्रोइंग कंट्रीज़ के बारे में अगर हम देखें तो टॉप 10 ग्रोइंग कंट्रीज़ कौन सी है। ग्रोइंग कंट्रीज़ में यहाँ पे जो कंट्री नंबर 1 है वो है कतार। कतार में 6% का ग्रोथ रेट यहाँ पे आप देख सकते हैं USD 1000s में 2020 की और 2021 की वैल्यूएशन दी है कंट्री का यहाँ पे मेंशन किया है और ये जो फिगर है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फिगर है। 6% का ग्रोथ रेट एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट कह सकते हैं। नेक्स्ट है 8% के साथ नाइजीरिया। नाइजीरिया में भी जो है वो एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि नेबरिंग नाइजीरिया की नेबरिंग कंट्रीज़ में से भी आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिले। कंट्री नंबर 8 है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी एक सही ग्रोथ रेट कह सकते हैं 13% का ग्रोथ रेट। कंट्री नंबर 7 है 27% के ग्रोथ रेट के साथ नेपाल में, जैसे मैंने आपको बताया अच्छी जो है वो वैल्यूएशन भी है और साथ ही साथ ग्रोथ रेट भी सही वैल्यूएशन कह सकते हैं। कंट्री नंबर 6 है 31% के ग्रोथ रेट के साथ हांगकांग। हांगकांग में भी हमारी चीज़ एंड कर्ड जो है वो अच्छे क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होते हैं। कंट्री नंबर 5 40% के ग्रोथ रेट के साथ युगांडा है। जैसे हमने बात की अफ्रीकन कंट्रीज़ में हमारी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी है जो कि बहुत ही अच्छे पैमाने में एक्सपोर्ट होती है। कंट्री नंबर 4 है 50% के साथ थाईलैंड में। इसी के साथ एशियन कंट्रीज़ में भी एक सही डिमांड कह सकते हैं हमारी सारी प्रोडक्ट्स में, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें चीज़ एंड कर्ड्स की। नेक्स्ट है जापान। जापान में भी 51% का ग्रोथ रेट आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आने वाले टाइम में हो सकता है एशियन कंट्रीज़ में भी आपको उतनी ही ब्लूमिंग देखे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर एशियन कंट्रीज़ आपको देखने को मिल रही है और साथ ही साथ अरेबिक कंट्रीज़ भी आपको देखने को मिल रही है। मलेशिया में 55% का ग्रोथ रेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ग्रोथ रेट के हिसाब से जो सबसे अच्छा ग्रोथ रेट जिस कंट्री में देखने को मिला है वो है ताइपे चाइनीज़ और डेफिनेटली 60% का ग्रोथ रेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट कह सकते हैं कंट्री की साइज़ के मुताबिक। लाइम इंस्टीट्यूट की बात करें तो यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाते हैं। अगर आप भी सही तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो अभी आपकी स्क्रीन पे दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट करके हमसे ज़्यादा इंक्वायरी कर सकते हैं। आज के लिए लाइम इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपके सामने वापस हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।